चलिए अब देखते हैं हम तुला राशि। तुला यानी र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए शुक्र महाराज आपके अधिपति देवता बनते हैं, यद्यपि वे कन्या राशि पर विचरण कर रहे हैं। कन्या राशि पर विचरण होने की वजह से वे आपके द्वादश भाव में पड़ेंगे, खर्च का योग बना रहे हैं। कुछ नाजायज खर्च भी हो सकते हैं, कुछ काम के भी खर्च हो सकते हैं, यानी खर्च पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। इनकम सोर्स नहीं दिख रहा है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी भी थोड़ी सी चिंता हो जाए ऐसा लग रहा है। यद्यपि राहु और केतु की वजह से सारा जो काम आपका है वह बनता हुआ दिखेगा, यानी जो आपने व्यापार शुरू किया है या नौकरी शुरू की है या कोई और कार्यक्रम शुरू किए हैं तो हर कामों में आपको सफलता मिलेगी। सोर्स ऑफ इनकम अच्छी दिख रही है, इनकम तो अच्छी आएगी, साथ ही में व्यय भी होने वाला है। और पिता का स्वास्थ्य जो बिगड़ा हुआ था वह अभी सुधर जाएगा। पति और पत्नी के बीच का अंतर थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें आपको सावधानी रखनी है। किसी की कही सुनी बातों को मानने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप हर काम को स्वयं सोचकर अगर काम करेंगे तो गड़बड़ी नहीं आएगी। यात्रा प्रवास के योग भी आपके बन रहे हैं और नए मेहमान के आगमन के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कोई बाहर जा रहे थे यानी विदेश यात्रा संबंधी जो कोई उनके प्रश्न थे उन प्रश्नों में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। कुल मिला के देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फल देने वाला है और इस सप्ताह के दरमियान आपको एक छोटा सा उपाय करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। एक गरीब को भोजन कराकर अगर आप समय की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए सप्ताह बेहतर और अच्छा रहेगा।